मटिल्तान बर्फपोश पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत वादी है। ये वादी कालाम से टोटल 13 किलोमीटर के फासले पर है और 55 मिनट में आप आसानी के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं। इस सामने चोटी जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी चोटी पे साल भर यहाँ पे बर्फ पड़ा रहता है। और ये आबशार आप देख रही हैं कि जो ही आप मटिल्तान में दाखिल होते हैं तो मटिल्तान के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आबशार है। ये काफ़ी हाइट पे है और ये काफ़ी मशहूर आबशार है और जो ही टूरिस्ट यहाँ से गुज़रते हैं और इस आबशार पे नज़र पड़ती है तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं और इसी आबशार का दीदार करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आबशार है। और जो मटिल्तान डैम बना है तो इस आबशार के नीचे फिर एक सुरंग है, तो इसी सुरंग से वो पानी आके यहाँ पे गिर जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा आबशार है। अब मैं जूम कर रहा हूँ और ये बड़ा आबशार है, मशहूर आबशार है। जारुगो आबशार से भी ये काफ़ी हाइट पे है। इस हाइट से आपको पता चल रहा है कि कितना बुलंद आबशार है ये। लेकिन इस आबशार तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जगह पे है, काफ़ी हाइट पे है, तो दूर से आप नज़ारा कर सकते हैं। और ये आप देख रही हैं कि ये एक ख़ूबसूरत नाला है। तो अब तकरीबन मैं मटिल्तान तक पहुंचने वाला हूं। ये आप देख रही हैं कि ये मटिल्तान का बाज़ार है। जब मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था तो ये बाज़ार काफ़ी छोटा था। अब यहाँ की आबादी बढ़ चुकी है और काफ़ी गुंजानाबाद आबादी है। एक ख़ूबसूरत विलेज है मटिल्तान और काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे जब आप स्टे करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, होटल इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मेहमान नवाज है। और यहाँ पे अगर आप रात गुजारना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप रात गुजार सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग मेहनत कश है और खेती बाड़ी करती हैं, काश्तकारी करते हैं। आलू सबसे बड़ा फसल है यहाँ पे और साल में 2 मरतबा यहाँ पे आलू काश्त की जाती है। इस वादी का आलू काफ़ी मशहूर है। अगर पल के हवाले से मैं बात करूं तो मटिल्तान गांव का मशहूर पल अखरोट है। ये आप देख रही हैं जगह जगह पे अखरोट के दरख्त है। और जो ही आप इस गांव में दाखिल होते हैं तो आपको सड़क के दोनों जानिब अखरोट के बेशुमार दरख्त दिखाई देंगे। यहाँ से फिर आगे ग्लेशियर है और फिर महोडन है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारे है। ये एक ख़ूबसूरत गांव है और यहाँ से जब टूरिस्ट गुज़रते हैं तो यहाँ पे अक्सर स्टे करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई स्कूल भी मौजूद है। ये सामने येलो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मटिल्तान है। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ ये है कि काफ़ी मसला है यहाँ पे लोगों के लिए। और बाकी स्कूल यहाँ पे मौजूद है, एक हाई स्कूल कालाम में है और एक यहाँ पे है। तो ग्लेशियर्स और आसपास के जो छोटे मोटे गांव हैं तो वहाँ के लोग बच्चे खासकर तालीम हासिल करने के लिए मटिल्तान स्कूल आते हैं। तो ये एक ख़ूबसूरत गांव है और ये गांव पाकिस्तान के सबसे मशहूर गांव में शुमार किया जाता है। ये सामने चोटी कालाम वैली का सबसे बुलंद तरीन चोटी है और इवन ये कि जब आप मिंगौरा में होते हैं तो मिंगौरा से आपको ये सफ़ेद चोटी दिखाई देगा। ये काफ़ी बुलंद तरीन चोटी है और पूरा साल इस पर बर्फ़ पड़ा रहता है। ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लू पानी है, ये दरियाए महोडन, ये पानी महोडन लेक से आया है और आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल ब्लू वाटर है, ब्लू वाटर है आप देख रहे हैं और एक ख़ूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। इसी दरिया पे अब डैम बन रहा है जो कि इस इलाके के लिए काफ़ी तरक्की का बायस बनेगा और इस इलाक़े के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। स्वात में दो बड़े प्रोजेक्ट है डैम के, एक डैम बन चुका है बहरेन डैम और एक मटिल्तान डैम। तो मटिल्तान डैम इसी दरिया पे अब बन रहा है और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपके साथ मटिल्तान डैम की वीडियो भी शेयर करूंगा। ये आप देख रही है कि ये एक ख़ूबसूरत गांव है और आसपास सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है। तो ये आप देख रही हैं कि काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। अगर आप इस गांव का विज़िट करती हैं तो खाना अपने साथ लेके आए क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो अगर खाना आप अपने साथ ख़ुद लेके आते हैं तो बेहतर होगा। इसी तरह अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो किसी की हुजरे में आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी मेहमान नवाज़ है। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप इससे आगे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर उशु वैली है। तो उशु वैली में वहाँ पे बाकायदा होटल्स है और वो होटल्स दरिया के किनारे है। जो बाउंड्री है मटिल्तान और उशु के दरमियान तो वहाँ पे काफ़ी ख़ूबसूरत होटल्स है। तो वहाँ पे आप आसानी के साथ स्टे कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप कालाम से आते हैं तो कालाम से फिर आप यहाँ सीधा पहुँचे और फिर रात गुजारने के लिए वापस आप कालाम जाए या फिर सीधा आप महोडन जाएं।